नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। डिंडोरी जिले के शाहपुरा बाजार में गरीबों की थाली से निवाला छीनकर शासकीय उचित मूल्य दुकान बरखेड़ा का गेहूं बेचने का काम किया जा रहा था। मुखबिर की सूचना पर शाहपुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चालक सत्येंद्र झारिया और सेल्समैन हरप्रसाद झारिया को बाजार में गेहूं बेचते हुए गिरफ्तार किया। बोलेरो पिकअप वाहन से 7 क्विंटल गेहूं बरामद करते हुए पिकअप वाहन जब्त किया। गौरतलब है कि शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर लगातार खाद्यान्न का आवंटन दिया जा रहा है, लेकिन राशन दुकान के सेल्समैन खाद्यान्न को हितग्राहियों को बांटने की बजाय बेचने का काम कर रहे हैं। जरूरतमंद और गरीबों की थाली से राशन गायब कर मालामाल हो रहे हैं। शाहपुरा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को न्यायालय में पेश किया है, जहां से आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया है। दरअसल खाद्य विभाग के जवाबदार आला अधिकारी सेल्समैन के ऊपर मेहरबान बने हुए हैं, जिसके चलते गरीब के मुंह से जवाबदार कर्मचारी निवाला छीनकर खुले बाजार में राशन बेचकर चांदी काटकर दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। बड़खेरा जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है, सोसाइटी है जो समूह द्वारा जो चलाई जा रही है, वहाँ का जो सेल्समैन है, सेल्समैन हरप्रसाद झारिया, उसके द्वारा जो है शासकीय उचित मूल्य का जो राशन था, जो हितग्राहियों को जाना था, उसने वहाँ से निकाल करके उसको बाजार में बेच करके अवैध रूप से धनार्जन करने के लिए सत्येंद्र झारिया की पिकअप में वहाँ से 14 कट्टे गेहूँ लूट कराया और पूरा बाजार में बेचने के लिए भेज दिया। जैसे ही मुखबिर की हमको सूचना हुई, तत्काल हमने वहाँ पर दबिश दी, खाद्यान्न अधिकारी को बुलाया हमने वहाँ पर पूछताछ के दौरान के लिए, और ये भरद्वारा के नाम से वहाँ से इन्होंने सोसाइटी से निकाला और यहाँ पर लाके व्यापारी को अवैध रूप से बेचना चाह रहे थे वो, जिस पर जो है धारा 420, 406 और इसी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से जेल वारंट मिलने को जेल दाखिल कराया गया।